डेप्रिसिएशन अकाउंट। नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इटसेल्फ बहुत टफ चैप्टर है, उसमें भी फिर उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है, प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले तो आपको प्रोविजन का मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रोविजन होता क्या है। तो प्रोविजन इज दैट अमाउंट यू आर कलेक्टिंग विद यू फॉर अ फ्यूचर नोन लाइबिलिटी, ठीक है। जो फ्यूचर में आपकी कोई लाइबिलिटी आने वाली है जिसका आपको पहले से पता है कि आपको 10 इयर्स के बाद में डिबेंचर्स का पेमेंट करना ही करना है, तो 10 इयर्स के बाद में आपको एक बड़ा अमाउंट पे करना है, तो उसके लिए आप आज ही से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, जिसको आप प्रोविजन की फॉर्म में यहाँ पे बोलते हो। तो अभी उसी प्रोविजन को हम डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। जब हमें पता है, ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है कि उसके पास जितने भी एसेट्स हैं वो एक सर्टेन रेट से एक ईयर के बाद में डेप्रिशिएट होंगे ही होंगे, तो उसके लिए वो पहले से ही उस अकाउंट के अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे उसके प्रॉफिट पे सारा बर्डन ना आए, उसका प्रॉफिट कम शो ना हो, ठीक है। तो प्रोविजन के अंदर बेसिकली हमें करना क्या है, हमारा वही अकाउंट जो हम अभी तक बनाते आ रहे थे सेम वही अकाउंट बनाना है। बस अब क्या होगा, हमारे पास अब तक हम सिर्फ मशीन अकाउंट बनाते आए थे, ठीक है, और मशीन अकाउंट में ही हमने इस साइड अगर कोई भी मशीन परचेज की थी तो उसकी एंट्री कर दी थी, इधर हमने सेल की एंट्री कर दी थी, और इधर ही हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी थी। डेप्रिसिएशन जिसको हमने अभी सेल किया है उसके ऊपर, और बची हुई मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन हमने सब एक ही अकाउंट के अंदर कवर किया था। लेकिन अब क्योंकि हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो प्रोविजन के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं आएगा। अब उन्हीं एंट्रीज के लिए हम दो अकाउंट बना रहे हैं, जिन एंट्रीज के लिए हम एक अकाउंट बनाते थे अब उन्हीं एंट्रीज के लिए हम दो अकाउंट बना रहे हैं, तो हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, हाफ एंट्रीज इसमें आ जाएंगी और हाफ एंट्रीज हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब प्रोविजन के अंदर कौन सी एंट्री आएगी, जो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन यूज किया था, अब वो डेप्रिसिएशन यहाँ से हटके इधर इस साइड आ जाएगा, साइड सेम ही रहेगी, यहाँ भी बाय में आता था, यहाँ भी बाय में ही आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन कौन कौन सा यूज करते थे हम, एक वो डेप्रिसिएशन जो मशीन सेल हो रही है उस पे लगता था, और दूसरा डेप्रिसिएशन बची हुई मशीन पे लगता था, तो वो दोनों ही डेप्रिसिएशन हमारे इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी साइड हमारा जो प्रोविजन, जो मशीन हमारी सेल हुई है उस पे अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है उसको यहाँ पे रख देंगे और दोनों अकाउंट का बैलेंस निकाल देंगे। तो इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, फर्स्ट अप्रैल 2016 को हमारे पास जो मशीन अकाउंट है दैट इज 80,000। अब स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि ये सिर्फ एक मशीन का अमाउंट है। नहीं, प्रोविजन के क्वेश्चन में आपको जब भी मशीन का अमाउंट दिया जाएगा इट मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे वो टोटल मशीन का अमाउंट है। हो सकता है उसके पास 5 मशीन हो सकता है उसके पास 3 मशीन हो जिनका टोटल अमाउंट 80,000 आता हो, जो भी है उनके पास मल्टीपल मशीन है जिसका टोटल अमाउंट जो है वो 80,000 है फर्स्ट अप्रैल 2016 को, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 36,000। इसी फर्स्ट अप्रैल 2016 को जो प्रोविजन का बैलेंस है दैट इज 36,000, ठीक है। उन्होंने 36,000 का बैलेंस बना के रखा है प्रोविजन के अंदर, जिससे कि जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसको हम प्रोविजन अकाउंट से चार्ज करेंगे। देन अब फर्स्ट अप्रैल 2016 को ही उसी डेट में जिस दिन वो बैलेंस शो कर रहा है उसी डेट में ऑर्गेनाइजेशन ने एक मशीन जो 16,000 की फर्स्ट अप्रैल 2012 में खरीदी थी वो 8,700 में सेल कर दी है। ये स्टेटमेंट अपने आप में शो कर रहा है कि ये जो 80,000 अमाउंट है वो सिर्फ एक मशीन का नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स का है, जिसमें से एक मशीन 16,000 की थी जिसको अब वो सेल कर रहे हैं। तो सेल हो रहा है तो प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा, प्रॉफिट लॉस ये सब चीजें हम कैलकुलेट करेंगे।
तो अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, और फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए हमें यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। और अकाउंट कौन से होंगे? ऑफ कोर्स वही मशीनरी अकाउंट, और अब एक और अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास एक अकाउंट हम इधर बना लेते हैं, मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन होंगी हमारी, जैसे अभी तक होती आई थी सेम वैसे ही होंगी, बस डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ वैल्यूज चाहिएगी, जैसे कि हमारा प्रॉफिट लॉस, तो पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मशीन सेल हुई है वो मशीन कब खरीदी थी हमने, 2012 में, तो 1st अप्रैल 2012 से 13, 14, 15 and then 15 to 16 फोर इयर्स तक हमने उस मशीन को यूज किया है। इट मीन्स कि फोर इयर्स तक उस पे 10% स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन लगा होगा, 1600, क्योंकि 16,000 थी ना, तो 10% 1600 and 1600। तो अगर हम टोटल बोले तो उस मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन अब तक 6400 का लग चुका था। ठीक है, अब मशीन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तक जो मशीन थी वो हमने 16,000 में खरीदी थी, उस पे 6400 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची थी, 9,600 रुपीज उसकी वैल्यू बची हुई थी ऑन 1st अप्रैल 2016, जिस दिन उसको बेचा जा रहा है। फाइन, अब 9,600 उसकी वैल्यू बची हुई थी, और हम सेल कितने में कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं हम 8,700 में, तो सेल वैल्यू माइनस मशीन वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 900, और माइनस आ रहा है, इट मींस मशीन वैल्यू ज्यादा है सेल वैल्यू कम है, तो ज्यादा अमाउंट की मशीन को कम प्राइस पे हमने सेल कर दिया, इसका मतलब है लॉस। ठीक है, तो मशीन को 900 के लॉस पे हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे कर देंगे हम, 1st अप्रैल, क्योंकि हमें तो एक ईयर का बनाना है, प्रोविजन आपको ज्यादातर 1 ईयर का ही मिलेगा, तो आप पहले सारी कैलकुलेशन कर लेना और अपने अकाउंट के अंदर पुट कर लेना। हमें कौन से ईयर के लिए बनाना है, 16-17, तो 1st अप्रैल 2016 को टू, अब यहाँ पे हम मशीन खरीदते थे तो बैंक अकाउंट लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे, हमें तो बैलेंस मिला है, तो हम यहाँ पे टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन करके लेके आ रहे हैं, और मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो बैलेंस भी किसका चेक करेंगे, मशीन का। ठीक है, तो मशीन का बैलेंस कितना है, 80,000 रुपी। ठीक है, अब इसमें से कितने की मशीन हमारी सेल हो गई, तो सेल की एंट्री हम बाय साइड में करेंगे, ऑन द सेम डेट बाय बैंक या सेल्स अकाउंट। अब बैंक अकाउंट लिखते हैं, सेल को ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब सेल कितने की कर दी हमने, 8,700 की हमने सेल कर दी। नाउ अब सेल के साथ हमेशा हमारी 3 एंट्रीज होती थी, कौन कौन सी थी, एक तो सेल की थी, सेल कितने में की, दूसरा अगर इस ईयर में कुछ मंथ्स के लिए वो यूज हुई है, सपोज 3 मंथ्स या मिड ऑफ द ईयर अगर उसको बेचा गया होता, तो उतने ड्यूरेशन के लिए जो लगने वाला डेप्रिसिएशन था वो डेप्रिसिएशन हम वर्ड यहाँ पे यूज करते थे। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन तो हमें यूज ही नहीं करना, तो क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का डिपार्टमेंट तो प्रोविजन में शिफ्ट हो गया ना, प्रोविजन अकाउंट में, तो प्रोविजन में डाल दो, इसमें यहाँ पे रेफरेंस दे दो प्रोविजन का। ठीक है, अब प्रोविजन अकाउंट का हम यहाँ पे देखेंगे, और अभी तक यहाँ पे हम वैल्यू कौन सी लिखेंगे, इस मशीन को जब से हमने खरीदा था तब से अब तक प्रोविजन का कितना अमाउंट इसकी वजह से कम हुआ है, प्रोविजन मेरे पास जो भी था, ठीक है, उसमें से हमने कितना डेप्रिसिएशन लग गया इस मशीन पे, 6,400, तो जो भी अमाउंट रहा होगा प्रोविजन में, प्रोविजन अकाउंट में, उसमें से 6,400 तो सिर्फ इसके लिए डेप्रिशिएट हुआ है ना, इसकी वजह से कम हुआ है,
तो वो प्रोविजन वाला अमाउंट हम यहां पे डाल देते हैं। समझ आया? नेक्स्ट इज, अब एक और एंट्री होती थी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस आया है इसलिए हम इस साइड लिख रहे हैं, और लॉस कितने का था? 900। ठीक है, एक और चीज, आप इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे? आप जब इन तीनों को प्लस करोगे तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट आनी चाहिए, और इन तीनों को प्लस करके हमारे पास 16,000 आता है, तो ये ही तो कॉस्ट थी मशीन की। इट मींस हमारी एंट्री यहां तक ठीक है, क्लियर। उसके बाद में हमने कोई मशीन खरीदी है क्या? नहीं, क्वेश्चन में ऐसी कोई डिटेल नहीं दे रखी। देन अब क्या करते थे हम? फिर से डेप्रिसिएशन निकालते थे बची हुई मशीन पे, लेकिन हमें यहां पे डेप्रिसिएशन तो यूज ही नहीं करना, तो अब फाइनली हम बैलेंस निकाल लेंगे और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना होता। प्रोविजन के अंदर जब हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मशीन से रिलेटेड चीजें, मशीन कितने में खरीदी, मशीन कब आई, मशीन कब बेची गई और मशीन का बैलेंस कितना बचा हुआ है, बस यही डिटेल्स हम मशीन अकाउंट के अंदर डालते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है? 80,000, और इधर भी हम 80,000 लिख देंगे, और 80,000 में से जब 16,000 की मशीन हमारी सोल्ड आउट हो चुकी है तो यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा? 64,000, और इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सीडी। कब? 31st मार्च 2017 को, तभी तो क्लोज होगा। तो मशीन अकाउंट हमारा यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरफ। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की ओपनिंग कहां से होगी? जब हमने मशीन खरीदी थी तो मशीन तो हमारा एसेट था, तो एसेट की ओपनिंग हमेशा टू साइड से होती है, तो प्रोविजन तो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी किस साइड से होगी? हमेशा बाय साइड से। और हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन। ठीक है, और किसका बैलेंस चाहिए अब आपको? अब आपको प्रोविजन का बैलेंस चाहिए जो आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो प्रोविजन का बैलेंस कितना है आपके क्वेश्चन के अंदर? 36,000। तो 36,000 आप यहाँ पे लिख दोगे, और ये कौन सी डेट में था? That was on 1st April 2016 को ये बैलेंस था। ठीक है, अब इसके बाद में हम सारे डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने ये प्रोविजन वर्ड यहाँ पे यूज किया था, किस साइड था? बाय साइड था ना, तो सबसे पहले तो इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो प्रोविजन का तो अब अकाउंट ही बना रहे ना मेनली, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1st अप्रैल 2016, जिस डेट में ये मशीन सेल हुई है उस दिन तक मेरी सेल होने वाली मशीन पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू मशीन अकाउंट। अब यहाँ पे हमने प्रोविजन के नाम से एंट्री की थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मशीन के नाम से एंट्री कर देंगे, और एंट्री कितने की होगी? 6400। तो पहले तो ये अमाउंट शिफ्ट कर दिया बैलेंस लिखने के बाद में, अब देखेंगे कि बाकी के डेप्रिसिएशन कितने हैं इसके अंदर। तो हमारी मशीन कब सेल हो गई थी? 1st अप्रैल को ही सेल हो गई थी, तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये किस पे लगता है? ऑन सोल्ड मशीन फॉर करंट ईयर। मतलब अगर इसी करंट ईयर में वो कुछ मंथ्स तक यूज हुई होती, 3 मंथ्स के लिए मिड ऑफ द ईयर अगर सेल होती तो उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता ना, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखते। लेकिन अभी तो नहीं है क्योंकि 1st अप्रैल को ही सेल कर दी थी, तो कुछ भी नहीं यूज हुआ इस पे, तो ये अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये एंट्री आपको समझाने के लिए की थी इसमें, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम डैश करके छोड़ सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में डैश करके नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो बेटर है कि हम इसको यहां से रब कर देते हैं। फाइन, अब दूसरी एंट्री हमारे पास क्या होगी? 31st मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
एक डेप्रिसिएशन तो सेल वाली वैल्यू पे हो गया, अब दूसरा डेप्रिसिएशन बची हुई मशीन पे भी तो लगेगा ना, और मशीन कितने की बची है, ऑन रिमेनिंग मशीन। अब कितने की रिमेनिंग है, टोटल मशीन आपकी 80,000 की थी, उसमें से कितने की बिक गई, 16,000 की सेल हो गई, तो कितनी बची आपके पास, 64,000 की आपकी मशीन बची है, और 64,000 पे 10% जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो अमाउंट विल कम 6400। ठीक है, अब और कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसको हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे किस साइड का टोटल ज्यादा है, ऑफ कोर्स जहां से हमने स्टार्ट किया था वही होगा, तो कितना आ जाएगा, 42,400। इधर भी हम कर देंगे 42,400, तो बैलेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, टू बैलेंस सीडी कब, 31 मार्च 2017 को हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस बचेगा अगेन 36,000। ठीक है, 42,400 में से 6400 को माइनस कर दिया तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो 36,000 ही बचेगा। ठीक है, और ये एक कोइंसिडेंस है कि वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, ऐसा करना नहीं है कि ठीक है ये 64 इधर लिख दिया, ये 64 इधर लिख दिया और जो ओपनिंग बैलेंस था उसी को आपने क्लोजिंग बता दिया, ऐसा नहीं करना है, दोनों साइड का टोटल लिखोगे। अभी यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू आ रही थी जो हमने रब की है, ठीक है, वो वैल्यू भी आनी थी, अगर क्वेश्चन के अंदर उससे रिलेटेड डिटेल दी गई है तो देन दोनों साइड का टोटल करेंगे और उस टोटल में से इसको माइनस करेंगे वैल्यू को, तब जाके हमारे पास जैसे हम नॉर्मल लेजर बनाते हैं वैसे ही लेजर यहाँ पे बनेगा। क्लियर, तो होपफुली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।